हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर वन यूनिट थर्ड चैप्टर थर्ड टाइप स्टडी ओबेलिया के अंतर्गत ओबेलिया के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी किरोड़ी मल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़, स्वागत करता हूं। ओबेलिया के स्ट्रक्चर को अध्ययन करने के लिए हमने विषय वस्तु को इन बिंदुओं पर केंद्रित किया है। पहला, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ओबेलिया। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ ओबेलिया, और इसके अंतर्गत हम हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकॉलस, पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा का अध्ययन करेंगे। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ मेड्यूसा। चौथा, हिस्टोलॉजी ऑफ ओबेलिया। और पांचवा है कंपैरिजन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा। आइए अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। ओबेलिया का एनिमल किंगडम में जो पोजीशन है वो इस तरह से है। यह फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, और जीनस जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है ओबेलिया। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो एनिमल आते हैं उनमें सिलेंट्रॉन पाई जाती है। यह एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है, और सिलेंट्रेट्स ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनकी शारीरिक संरचना में एक्टोडर्म और एंडोडर्म यही दो लेयर्स पाई जाती हैं। क्लास हाइड्रोजोआ, पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज इनके जीवन चक्र में बनते हैं या उपस्थित होते हैं। ऑर्डर हाइड्रोइडिया, इनमें मीजोग्लिया ए सेलुलर होती है। मीजोग्लिया वह संरचना है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है, और इस मीजोग्लिया में कोशिकाओं का अभाव होता है। जीनस जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है ओबेलिया। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ओबेलिया ये सामान्य तौर पर सी फर के नाम से जाने जाते हैं। ओबेलिया समुद्री जंतु होते हैं जो उथले जल के साथ ही साथ गहरे समुद्र पर भी पाए जाते हैं। ओबेलिया का वितरण यदि हम देखें तो इनका भौगोलिक वितरण ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, अर्थात विश्व के लगभग सभी समुद्रों में ये पाए जाते हैं, लेकिन कुछ समुद्रों पर ये नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहां का तापमान काफी कम होता है, और ऐसे समुद्र हैं आर्कटिक और एंटार्कटिक, ये पोलर रीजन के समुद्र हैं। ये एनिमल सिडेंटरी होते हैं, अर्थात किसी एक ही जगह पर आजीवन फिक्स रहते हैं, और इन जंतुओं में जो शारीरिक संरचना होती है वो काफी ब्रांच्ड होती है, और ब्रांच होने के कारण से ये कॉलोनियल या समूह के रूप में दिखाई देते हैं। ओबेलिया जिस आवास में पाए जाते हैं वहां वो चट्टानों पर, छोटे छोटे पत्थरों पर, मोलस्क के सेल और अन्य दूसरे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर मजबूती के साथ चिपके हुए होते हैं। ओबेलिया जो कॉलोनी है ये पॉलीपार्ट फॉर्म पर होती है, अर्थात इनमें पॉलिप उपस्थित होता है, और कुछ दशाओं पे ये ट्राइमॉर्फिक भी होते हैं, और जब ये ट्राइमॉर्फिक होते हैं तो तीन तरह के संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं। पहली हाइड्रेंथ, दूसरी ब्लास्टोस्टाइल, और तीसरी है मेड्यूसा। तो यदि किसी कॉलोनी में ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं
तीनों रचनाएं पाई जाती हैं, तब उस अवस्था में उस कॉलोनी को ट्राईमॉर्फिक कहा जाता है। और यह ट्राईमॉर्फिक कॉलोनी ज्यादातर परिपक्व ओबेलिया कॉलोनी या पूर्ण विकसित ओबेलिया कॉलोनी में देखने को मिलती है। ओबेलिया ये कार्निवोरस होते हैं, पानी में उपस्थित जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो प्लैंकटॉन्स इत्यादि होते हैं, उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओबेलिया में रिप्रोडक्शन ये दो विधियों से होता है, पहला एसेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन और दूसरा सेक्सुअल या लैंगिक प्रजनन। मेड्यूसा ओबेलिया कॉलोनी में निर्मित होने वाली उसकी यह लैंगिक अवस्था है, जिसे हम सेक्सुअल फॉर्म कहते हैं। और मेड्यूसा दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल मेड्यूसा ये अलग अलग होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मेल और फीमेल मेड्यूसा को बाहरी और आंतरिक तौर पर देख करके अलग अलग पहचानना मुश्किल होता है, अर्थात इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। और ये मेड्यूसा पूरी तरह से फ्री स्विमिंग होते हैं, जो समुद्री जल में तैरते हुए होते हैं। डेवलपमेंट की हम बात करें, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का निर्माण होता है, और उस जायगोट में जो पोस्ट जायगोटिक डेवलपमेंट है उसके उपरांत एक लार्वा बनता है, और इस लार्वा को प्लेनुला लार्वा कहा जाता है, क्योंकि इसके जीवन चक्र में विकास के दरमियान लार्वा का विकास होता है, लार्वा अवस्था निर्मित होती है, इसलिए इस तरह के पोस्ट जायगोटिक डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। ओबेलिया की लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी का एकांतरण पाया जाता है, लेकिन यह जीवन चक्र में एक दूसरी अवस्था को भी साथ साथ प्रदर्शित करता है, और इसे मेटाजिनेसिस कहा जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिप्लॉयड और हेप्लॉयड जनरेशन के बीच में अल्टरनेशन होता है, लेकिन ओबेलिया में डिप्लॉयड और डिप्लॉयड अवस्था के बीच में अल्टरनेशन होता है, तब इस प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजिनेसिस कहा जाता है, जो ओबेलिया के जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आइए अब हम ओबेलिया की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ओबेलिया कॉलोनी जो समुद्र में उसके धरातल पर किसी ठोस आधार पर चिपकी हुई अवस्था पर पाई जाती है, उस कॉलोनी की जो हाइट होती है वह लगभग 1 से 2 इंच होती है, तथा यह रेशेदार या फर जैसी दिखाई देती है। ओबेलिया कॉलोनी पूरी तरह से सॉफ्ट या कोमल सफेद या हल्के भूरे रंग की होती है, तथा ये अर्ध पारदर्शी संरचना के रूप में होती हैं। कॉलोनी में दो तरह की शाखाएं मौजूद होती हैं, अर्थात ओबेलिया कॉलोनी में दो तरह की शाखाएं देखने को मिलती हैं। पहली शाखा जो हॉरिजॉन्टल या अनुप्रस्थ होती है, और दूसरी शाखा यह वर्टिकल या ऊर्ध्व होती है। तो कॉलोनी में ये दो तरह की शाखाएं देखने को मिलती हैं। आइए हम हाइड्रोराइजा के बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोराइजा ओबेलिया कॉलोनी की एक अनुप्रस्थ शाखाओं का जाल होता है, और यह हाइड्रोराइजा किसी ठोस आधार से चिपक कर उसके सतह पर निरंतर समानांतर रूप से विकसित होते रहती है, और इस हाइड्रोराइजा को स्टोलन या बेस भी कहा जाता है। तो ये हाइड्रोराइजा ओबेलिया कॉलोनी को किसी आधार पर मजबूती के साथ चिपकाए रखने का या अटैच रखने का कार्य करती हैं, और इनमें अलैंगिक रूप से विभाजन के उपरांत नई नई शाखाओं का निर्माण होते रहता है, और इस तरह हाइड्रोराइजा को विस्तार भी मिलता है। दूसरी शाखा यह हाइड्रोकॉलस कहलाती है, ये कॉलम के रूप में होती है, अर्थात अनुप्रस्थ शाखा से कुछ निश्चित दूरियों पर वर्टिकल ब्रांच निकलकर, जिन्हें हम वर्टिकल ब्रांच या वर्टिकल शाखा कहते हैं, ये निकली हुई होती हैं, और इन्हीं शाखाओं को हाइड्रोकॉलस कहा जाता है। तो हाइड्रोकॉली यह इसका बहुवचन है, तथा
तो हाइड्रोकॉलस ये हाइड्रोराइजा से निकले हुए होते हैं। जैसे हम मान लें कि ये हाइड्रोराइजा है जो किसी सबस्ट्रेटम पर चिपकी हुई है, तो इससे कुछ निश्चित दूरियों पर ऐसे वर्टिकल ब्रांच निकले हुए होते हैं और इन्हीं वर्टिकल ब्रांच को हाइड्रोकॉलस कहा जाता है। प्रत्येक हाइड्रोकॉलस यह कॉलोनी का मेन एक्सिस बनाती है, जिससे एकांतर क्रम में लेटरल शाखाएं निकलती हैं और प्रत्येक लेटरल शाखा के शीर्ष पर एक जुआइट लगा हुआ होता है। तो यदि हम इसकी कॉलोनी को इस चित्र पे देखें तो ये हाइड्रोराइजा है और इस हाइड्रोराइजा से ये हाइड्रोकॉलस निकल रहे हैं और ये हाइड्रोकॉलस वर्टिकल होते हैं और इन हाइड्रोकॉलस से आप देख रहे हैं कि एकांतर क्रम में लेटरल साइड पर एक के बाद एक ये शाखाएं निकली हुई होती हैं और इन शाखाओं के शीर्ष पर पॉलिप पाया जाता है या इनको हम जुवाइड भी कह सकते हैं, तो ये जुवाइड लगे हुए होते हैं। इस तरह प्रत्येक शाखा अंत में एक जुवाइड पर जाकर के समाप्त हो जाती है और इनकी जो शाखाएं हैं वो हमेशा अल्टरनेट और लेटरल होती हैं। प्रत्येक हाइड्रोकॉलस में अनेक जुवाइड्स लगी हुई होती हैं और ये जुवाइड्स दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की जुवाइड्स जिन्हें पॉलिप या ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, इस अवस्था में कॉलोनी डाइमॉर्फिक होती है, अर्थात दो ही तरह के जुवाइड्स यदि यहां पर हैं तो ये डाइमॉर्फिक कहलाती हैं, जिनमें से पहले प्रकार की जुवाइड ये पॉलिप कहलाती है और दूसरे तरह की जुवाइड ब्लास्टोस्टाइल कहलाती है। तो दो जुवाइड युक्त जो कॉलोनी है वो डाइमॉर्फिक कहलाती है। किंतु जब ओबेलिया परिपक्व हो जाता है और प्रजनन काल में इन्हीं ब्लास्टोस्टाइल से तीसरे तरह के जुवाइट का निर्माण और विकास होता है, इस तीसरे तरह के जुवाइट को मेड्यूसा कहा जाता है और इस तरह कॉलोनी में तीन तरह की जुवाइट्स हो जाती हैं, पहली पॉलिप, दूसरी ब्लास्टोस्टाइल और तीसरी कहलाती है मेड्यूसा। तो तीन तरह की जुवाइट युक्त कॉलोनी को ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी कहा जाता है। ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी में हम देख सकते हैं कि तीन प्रकार के जुवाइड उपस्थित होंगे। पहला पॉलिप, ये कॉलोनी को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रिटिव जुवाइड या गैस्ट्रो जुवाइड कहा जाता है। दूसरे तरह की जुवाइड ये ब्लास्टोस्टाइल्स कहलाती हैं, ये एसेक्सुअल जुवाइड होती हैं जो कि एसेक्सुअल प्रक्रिया के द्वारा सेक्सुअल जुवाइट को जिन्हें हम मेड्यूसा कहते हैं उन्हें विकसित करती हैं। और तीसरे तरह की जुवाइट यह मेड्यूसा कहलाती है, ये सेक्सुअल जुवाइट हैं जो बेल शेप्ड या अम्ब्रेला के आकार की होती हैं, जिनका निर्माण और विकास ब्लास्टोस्टाइल में होता है तथा ये ब्लास्टोस्टाइल से स्वतंत्र होकर के बाहर समुद्री जल में चली जाती हैं और स्वतंत्रता पूर्वक तैरती हैं। इस रचना में हम ओबेलिया कॉलोनी को देख सकते हैं। ये ओबेलिया कॉलोनी का हाइड्रोराइजा है, ये हाइड्रोकॉलस है और ये हाइड्रोकॉलस वर्टिकल होता है और इस हाइड्रोकॉलस से एकांतर क्रम में ये शाखाएं निकल रही हैं और इन्हीं शाखाओं के शीर्ष पर एक जुवाइड उपस्थित होता है और ये जो जुवाइड होते हैं ये सभी गैस्ट्रो जुवाइड होते हैं जिन्हें हम पॉलिप कहते हैं। यहां पर दूसरे तरह की जो जुवाइड है वो हमें एक्सिलरी बर्ड के रूप में दिखाई देती है, अर्थात हाइड्रोकॉलस से जो लेटरल ब्रांच निकलती हैं उस ब्रांच के जंक्शन पर या एक्सिस पर ये दूसरे तरह की जुवाइड विकसित होती है, स्थित होती है और इस जुवाइड को ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। ये ब्लास्टोस्टाइल हमें यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये दो तरह की जुवाइड चूंकि इस कॉलोनी में अभी दिखाई दे रही हैं, इसलिए यह जो कॉलोनी होगी यह डाइमॉर्फिक होगी, लेकिन इस ब्लास्टोस्टाइल के अंदर एसेक्सुअल मेथड से यदि मेड्यूसा का निर्माण और विकास पूर्ण होता है और ये मेड्यूसा बनने के बाद ब्लास्टोस्टाइल से बाहर निकल करके समुद्री जल में स्वतंत्र हो जाते हैं,
तब यह कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी कहलाती है। पहले तरह की जुवाइट, आइए जिन्हें हम पॉलिप कहते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पॉलिप को हाइड्रेंथ भी कहा जाता है, और ये जो पॉलिप या हाइड्रेंथ हैं, ये गैस्ट्रोजुवाइट होते हैं, जो कॉलोनी को पोषण प्रदान करने का या उनको नरिशमेंट देने का कार्य करती हैं। पॉलिप कॉलोनी की जो मेन हाइड्रोकॉलस है एवं उस मेन हाइड्रोकॉलस से अल्टरनेट लेटरल साइड पर लगी शाखाओं के अंतिम सिरे पर स्थित होती हैं। और ये जो पॉलिप हैं, वास्तविक रूप से ये सिलिंड्रिकल सेक लाइक रचनाएं होती हैं, और इन पॉलिप्स को हाइड्रेंथ भी कहा जाता है। प्रत्येक पॉलिप का जो समीपस्थ भाग है, नजदीक का भाग है, वह खोखली ट्यूब की तरह होता है जो हाइड्रोकॉलस से जुड़ा हुआ होता है और उसकी निरंतरता पर होता है। इस पॉलिप में जो अन्य रचनाएं पाई जाती हैं, आइए उसके बारे में हम देखें। पहली रचना यह मेनुब्रियम कहलाती है। पॉलिप के सबसे अगले भाग पर एक कोन जैसी रचना उभरी हुई होती है, और इसी उभरी हुई रचना को मेनुब्रियम या हाइपोस्टोम कहा जाता है। इस चित्र में यदि हम देखें तो सामने की ओर ये इसका पॉलिप दिखाई दे रहा है, इसी को हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं। तो इस पॉलिप के अगले सिरे पर एक ऐसा कोनिकल जैसी रचना स्थित होती है, और इसी रचना को मेनुब्रियम कहा जाता है। तो यह रचना कहलाएगी मेनुब्रियम। मेनुब्रियम के शीर्ष भाग पर एक छोटे से सुराख के रूप में इसका माउथ स्थित होता है। तो इस जगह पर, यहां पर हम देख सकते हैं एक सर्कुलर ओपनिंग के रूप में यह रचना मौजूद होती है, और इस रचना को माउथ कहा जाता है। माउथ के चारों ओर लगभग 30 टेंटेकल्स मौजूद होते हैं, और माउथ को ये घेरे हुए होते हैं। टेंटेकल्स ओबिलिया में पूरी तरह से सॉलिड होते हैं, अर्थात इनके भीतर किसी भी तरह की कैविटी या रिक्त स्थान अनुपस्थित होती है। प्रत्येक पॉलिप के भीतर का जो हिस्सा है वह एक चौड़ी कैविटी के रूप में होता है, और उस कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहा जाता है। तो यहां पर हम देखें कि इस मेनुब्रियम के नीचे का जो हिस्सा होता है, यह हिस्सा भीतर की ओर एक कैविटी वाला होता है, और इसी कैविटी को कहा जाता है सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। माउथ बाहर की ओर समुद्री जल से तथा भीतर की ओर जो सीनोसर्कल कैनाल, जिसे हम सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, उससे संबंधित होती है। तो यहां पर यदि इसकी आंतरिक संरचना का हम अवलोकन करें, तो ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर के ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर मेनुब्रियम कहलाता है। और इस मेनुब्रियम के शीर्ष भाग पर एक छोटे से अपर्चर के रूप में माउथ स्थित होता है, जो बाहर की ओर खुलता है। और इस पॉलिप के भीतर की जगह पर ये एक छोटी सी कैविटी दिखाई दे रही है, और इसी कैविटी को सीनोसर्कल केनाल कहा जाता है। और ये सीनोसर्कल केनाल, जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन ही है, वो पीछे की ओर इनके सिलेंट्रॉन से या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जुड़ी हुई होती है। दूसरी रचना ये कहलाती है हाइड्रोथीका। हाइड्रोथीका ये क्या है? पॉलिप को बाहर की ओर से घेरने वाली जो पेरिसार्क है, पेरी का मतलब है परिधि की ओर, तो बाहर की ओर घेरने वाली जो पेरिसार्क है वह फैल करके एक फनल जैसी रचना का निर्माण करती है, और इसी रचना को हाइड्रोथीका कहा जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो बाहर की संरचना है, ये संरचना पेरिसार्क कहलाती है, और भीतर की जो सेल्युलर स्ट्रक्चर है, ये सेंटर की ओर होती है, इसलिए यह सीनोसार्क कहलाती है। तो इस पॉलिप में पेरिसार्क ये बाहर की ओर फैल करके ये फनल के आकार की रचना बना रही है,
और इसी फनल जैसी रचना को हाइड्रोथीका कहा जाता है। और ये जो हाइड्रोथीका है यह पूरी तरह से इस पॉलिप को घेरे हुए होती है, उसे सुरक्षा प्रदान करती है। किन्हीं परिस्थितियों में यदि ये डिस्टर्ब होते हैं तो डिस्टर्ब होने की अवस्था में ओबेलिया अपने सभी टेंटेकल्स को सिकोड़ करके वापस इसी हाइड्रोथीका के अंदर खींच लेती है और इस तरह वो पूरी तरह से बंद हो जाती है और सुरक्षित भी हो जाती है। आइए तीसरी रचना शेल्फ के बारे पे हम देखते हैं। पॉलिप के आधार पर जो हाइड्रोथीका है वो भीतर की ओर धंसी हुई होती है और इस अवस्था में ये एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ का भी निर्माण करती है, तो इसी हॉरिजॉन्टल शेल्फ को शेल्फ कहा जाता है। और इसी शेल्फ के ऊपर यह जो पॉलिप या हाइड्रेंथ है वह स्थित होता है, आधारित होता है, या हम कह सकते हैं कि वह इस पर सधा हुआ होता है, बैलेंस होता है। पेरी सर्कल एन्यूलाई, एन्यूलाई का मतलब होता है रिंग जैसी रचनाएं। हाइड्रोथीका के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये रिंग जैसी रचनाएं उपस्थित हैं और इन्हीं रचनाओं को पेरी सर्कल एन्यूलाई कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण बाहरी पर्त या पेरिसार्क से होता है, इसलिए इन्हें पेरी सर्कल एन्यूलाई कहा जाता है। पॉलिप या हाइड्रेंथ ये न्यूट्रिटिव जुवाइट्स होते हैं, अर्थात ये कॉलोनी के लिए पोषण का कार्य करते हैं और इसलिए इन पॉलिप को या हाइड्रेंथ को गैस्ट्रोजुवाइट्स भी कहा जाता है। तो यहां पर कॉलोनी में हम इनकी रचना को देख सकते हैं। इस अवस्था में यह जो पॉलिप हमें दिखाई दे रही है ये क्लोज्ड स्टेज में है और यहां पर जो पॉलिप दिखाई दे रही है ये एक्टिव स्टेज में है, ये ओपन स्टेज पे है। यहां पर हम बड़े स्पष्टता के साथ देख सकते हैं कि सामने की ओर ये सुराख के रूप में माउथ है, ये कोनिकल स्ट्रक्चर मैनुब्रियम है और माउथ को घेरे हुए ये बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। ये फनल जैसी रचना हाइड्रेंथ कहलाती है और इस पूरी संरचना के बेस पर एक शेल्फ होती है जिस पर यह पॉलिप आधारित होता है और अंत में सबसे नीचे की ओर पेरिसर्कल एन्यूलाई स्थित होती है, यह रिंग जैसी रचना के रूप में दिखाई देती है। तो ये रचना हुई पॉलिप या हाइड्रेंथ की। आइए कॉलोनी की दूसरी रचना को हम देखते हैं। यह रचना ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजोआइट कहलाता है। ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजोआइट ये ओबेलिया कॉलोनी में पॉलिप या हाइड्रेंथ के एक्सिस पर अक्ष पर विकसित होने वाली सिलिंड्रिकल या बेलनाकार रचनाएं होती हैं। इन ब्लास्टोस्टाइल के भीतर की ओर एक कैविटी होती है और इस कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहा जाता है। इसकी दीवारें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो परतों के द्वारा बनी हुई होती हैं। ब्लास्टोस्टाइल में हाइपोस्टोम, माउथ और टेंटेकल्स आदि रचनाएं जो पॉलिप में उपस्थित होती हैं वे सारी की सारी रचनाएं यहां पर अनुपस्थित होती हैं, ये नहीं पाई जाती हैं। ब्लास्टोस्टाइल के चारों ओर पेरिसार्क का जो आवरण होता है वह आवरण एक सिलिंड्रिकल ट्यूब के रूप में दिखाई देता है और इस आवरण को सुरक्षात्मक आवरण को गोनोथीका कहा जाता है और इस गोनोथीका के शीर्ष पर एक छिद्र होता है, इस छिद्र को गोनोपोर कहा जाता है। इसी गोनोपोर के द्वारा ब्लास्टोस्टाइल के भीतर जो मेड्यूसा विकसित होते हैं, ये मेड्यूसा जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं उसके उपरांत गोनोपोर से बाहर निकल करके समुद्री जल में जाकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। मेड्यूसा और गोनोथीका युक्त ब्लास्टोस्टाइल को संयुक्त रूप से गोनेंजियम कहा जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इस हाइड्रोकॉलस से जो लेटरल शाखा निकल रही है इस लेटरल शाखा के अक्ष पर ये ब्लास्टोस्टाइल एक बैरल या सिलिंड्रिकल के समान रचना वाली उपस्थित है। इसकी भीतरी संरचना यदि हम देखें तो भीतर
इसके बाहरी सतह पर विकसित होती हुई मेड्यूसा अलग-अलग अवस्थाओं पर हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ ये मेड्यूसा युक्त जो ब्लास्टोस्टाइल है, यह बाहर की ओर से एक आवरण के द्वारा घिरी हुई होती है और यह आवरण पेरिसार्क के द्वारा निर्मित होता है। इस आवरण को गोनोथीका कहा जाता है। तो इस तरह से जो ब्लास्टोस्टाइल की सतह पर मेड्यूसा विकसित होते हैं, वो इसके शीर्ष पर उपस्थित गोनोपोर के द्वारा बाहर निकल करके समुद्री जल में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो मेड्यूसा और गोनोथीका युक्त रचना को संयुक्त रूप से गोनेंजियम कहा जाता है। तीसरी रचना जो कॉलोनी में परिपक्व होने पर ब्लास्टोस्टाइल में देखने को मिलती है, यह रचना कहलाती है मेड्यूसा। आइए हम मेड्यूसा की संरचना का अवलोकन करते हैं। ब्लास्टोस्टाइल से बडिंग के द्वारा मेड्यूसा विकसित होते हैं और ये मेड्यूसा वास्तविक रूप से सेक्सुअल जुवाइट्स होते हैं। जब हम सेक्सुअल जुवाइट्स के बारे में बात करते हैं, इसका आशय यह है कि ये मेड्यूसा मेल और फीमेल मेड्यूसा के रूप में होते हैं और इनमें गैमिट का निर्माण होगा और उन गैमिट्स के परस्पर फ्यूजन के द्वारा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और जाइगोट का निर्माण होगा और इस तरह से ओबेलिया की जो जनरेशन है वो आगे की ओर बढ़ती है। तो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो सेक्सुअल फेनोमेना है उसे पूर्ण करने के लिए सेक्सुअल फॉर्म या सेक्सुअल जुवाइट का विकास होता है और इन्हीं सेक्सुअल जुवाइट को मेड्यूसा कहा जाता है। एक ब्लास्टोस्टाइल की सतह पर अनेक मेड्यूसा का निर्माण होता है और ये मेड्यूसा जब विकसित हो जाते हैं, अर्थात जब परिपक्व हो जाते हैं, तब ये ब्लास्टोस्टाइल के शीर्ष पर उपस्थित गोनोपोर के द्वारा बाहर निकल करके समुद्री जल में स्वतंत्रता पूर्वक तैरने लगते हैं। आइए हम मेड्यूसा की रचना का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक मेड्यूसा लगभग 7 सेंटीमीटर व्यास वाली कोमल झिल्ली जैसी रचना होती है। इसका जो आकार होता है वो सॉसर या तस्करी के आकार का या बेल घंटी के आकार का होता है। इस मेड्यूसा की जो बाहरी सतह होती है यह सतह उत्तल होती है अर्थात कॉन्वेक्स होती है और इस सतह को एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है तथा भीतरी सतह अवतल या कॉनकेव होती है। यह सतह सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाती है। तो इस तरह से इस मेड्यूसा का जो शेप है वो बेल के आकार का है। तो इसकी जो बाहरी सतह है जो बाहर की ओर होती है यह कहलाती है एक्स अम्ब्रेलर सरफेस और भीतर की जो सतह है ये कहलाती है सब अम्ब्रेलर सरफेस। दो सतह इस पे दिखाई देती हैं। मेनुब्रियम सब अम्ब्रेलर सरफेस के केंद्र पर एक छोटी सी हैंडिल जैसी रचना लटकी हुई होती है और इसी रचना को कहा जाता है मेनुब्रियम। तो यदि हम यहां पर देखें, मान लीजिए ये इसकी भीतरी सतह है और इसे हम कह रहे हैं एक्स सब अम्ब्रेला सरफेस। तो इसी सब अम्ब्रेला सरफेस पर एक हैंडिल जैसी रचना लटकी हुई होती है और इसी रचना को कहा जाता है मेनुब्रियम। तो ये रचना मेनुब्रियम कहलाती है। माउथ मेनुब्रियम के स्वतंत्र सिरे पर एक चौकोन छिद्र होता है और यही छिद्र कहलाता है माउथ। तो इस मेनुब्रियम का यह स्वतंत्र सिरा ये ऐसा चौकोन छिद्र के रूप में दिखाई देता है और इसी रचना को कहा जाता है माउथ। तो मेनुब्रियम पर माउथ ये स्थित होता है। यह माउथ पीछे की ओर एक छोटे से रिक्त स्थान पर खुलता है जो सैक के समान होता है और इस स्थान को गलेट कहा जाता है। यह गलेट अपने पीछे की ओर एक चेंबर जैसी रचना में खुलता है और यह रचना इसका स्टमक या गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी कहलाती है। तो वास्तविक रूप से गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी ही
मेनुब्रियम के बेस पर डायलेट होकर के फूल करके एक बड़े बैग जैसी रचना बनाती है, इसी रचना को स्टमक कहा जाता है। तो माउथ पीछे की ओर गलेट में खुलेगी और ये गलेट अपने पीछे ये स्टमक में खुलेगी। तो इस तरह ये जो स्टमक होता है यह अपने पीछे की ओर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से संबंधित होती है। आइए, कौन कौन सी केनाल इस मेड्यूसा में पाई जाती हैं उसके बारे पे हम देखते हैं। पहली केनाल यह रेडियल केनाल कहलाती है। स्टमक जो कि सॉसर शेप्ड होती है, छतरी के आकार की होती है, यहां पर स्टमक से चारों राइट एंगल पर केनाल निकलती हैं और ये केनाल परिधि की दिशा तक फैली हुई होती हैं। तो इन्हीं केनाल्स को कहा जाता है रेडियल केनाल। तो इन रेडियल केनाल की जो संख्या होती है वो चार होती है। तो ये सभी रेडियल केनाल है। दूसरी सर्कुलर केनाल। ये जो सर्कुलर केनाल है ये इस मेड्यूसा के या सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर के परिधि पर लगी हुई होती है और ये सर्कुलर होती है, इसलिए इसे सर्कुलर केनाल कहा जाता है। ये सर्कुलर केनाल मार्जिन पर स्थित केनाल्स होती हैं और इस सर्कुलर केनाल से रेडियल केनाल जुड़ी हुई होती हैं। विलम मेड्यूसा के मार्जिन के बाहर की ओर सर्कुलर केनाल के बाहर का जो हिस्सा होता है ये एक शेल्फ के रूप में उभरी हुई होती हैं और इसी शेल्फ को विलम कहा जाता है। यह विलम वास्तविक रूप से सर्कुलर शेल्फ के रूप में दिखाई देती है। आइए टेंटेकल्स के बारे में हम देखें। मेडूसा जब आरंभिक अवस्था पर होता है तो उस दरमियान उसमें केवल 16 टेंटिकल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इस मेडूसा की उम्र आगे बढ़ती चली जाती है, इसका विकास होते चला जाता है, तब उनमें टेंटिकल्स की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। तो आरंभिक तौर पर जो 16 टेंटिकल्स होते हैं वो टेंटिकल्स इस तरह से होते हैं। चार टेंटिकल्स पर रेडियल टेंटिकल कहलाते हैं, अर्थात ये पर रेडियल पोजीशन पर होते हैं, इसलिए इन्हें पर रेडियल टेंटिकल कहा जाता है। आठ टेंटिकल एड रेडियल पोजीशन पर होती हैं, इसलिए इन्हें एड रेडियल टेंटिकल कहा जाता है। और चार टेंटिकल ये इंटर रेडियल कंडीशन पर होती हैं, इसलिए इन्हें इंटर रेडियल टेंटिकल कहा जाता है। तो आरंभिक तौर पर मेड्यूसा में केवल 16 टेंटिकल होती हैं जिनका लोकेशन या जिनकी पोजीशन इस तरह से होती है। और उम्र के साथ ही साथ जब मेड्यूसा विकसित होते चली जाती है तब उनमें टेंटिकल्स की संख्या भी लगातार बढ़ते चली जाती है। इस चित्र में जो हम मेड्यूसा की संरचना देख रहे हैं इनमें टेंटिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है और ये टेंटिकल्स परिधि की ओर स्थित होती हैं। स्टेटोसिस्ट सभी आठ, ध्यान देंगे, सभी आठ एड रेडियल टेंटिकल्स का जो बेस होता है, आधार होता है, वह फूला हुआ होता है, बल्ब जैसा होता है और इसी बल्ब जैसे भाग पर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई सॉलिड क्रिस्टल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं और इस रचना को स्टेटोसिस्ट कहा जाता है। यह स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है, अर्थात पानी में तैरते समय मेड्यूसा का जल में शारीरिक संतुलन बनाए रखने का काम करता है और इसके साथ ही साथ यह मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। इस चित्र में हम मेड्यूसा की आरंभिक अवस्था और पूर्ण विकसित मेड्यूसा को देख सकते हैं। यहां पर आप देखें ये आरंभिक अवस्था में मेड्यूसा में 16 टेंटिकल्स मौजूद हैं और इन 16 टेंटिकल्स में से पर रेडियल टेंटिकल्स की संख्या ये चार होती है। तो ये पहली पर रेडियल, ये इसके अपोजिट दूसरी पर रेडियल, उसके बाद ये तीसरी और चौथी, ये चार पर रेडियल टेंटिकल्स होते हैं और पर रेडियल टेंटिकल्स का जो लोकेशन होता है वो पर रेडियल या रेडियल केनाल के ऊपर होता है। दूसरे तरह के टेंटिकल जिनकी संख्या आठ होती है ये एड रेडियल कहलाते हैं
और ये एड रेडियल टेंटिकल्स पर रेडियल टेंटिकल्स के ठीक साइड पर होते हैं। क्योंकि पर रेडियल टेंटिकल्स की संख्या चार होती है, इसलिए इनके साइड पर मौजूद एड रेडियल टेंटिकल्स की संख्या आठ होती है। ये आठ एड रेडियल टेंटिकल्स हैं और इंटर रेडियल टेंटिकल्स इनकी संख्या चार होती है। और ये इंटर रेडियल टेंटिकल्स होते हैं, ये एड रेडियल टेंटिकल्स के बीच में स्थित होते हैं। जैसे एक एड रेडियल टेंटिकल ये है, दूसरा एड रेडियल टेंटिकल ये है, और इन दोनों के बीच में ये इंटर रेडियल टेंटिकल है। तो यह इंटर रेडियल टेंटिकल्स की जो उपस्थिति है, ये पूरे सतह पर इसी तरह से होती है, और इस तरह इनकी जो संख्या है वो चार होती है। केंद्र पर, वेंट्रल साइड पर या सब अम्ब्रेला सरफेस पर हैंडिल जैसी रचना के रूप में मेनुब्रियम होती है, और इस मेनुब्रियम पर ये चौकोन अपर्चर या छिद्र के रूप में इसका माउथ होता है। इस पर रेडियल टेंटिकल्स और पर रेडियल टेंटिकल्स की लाइन पर जो हमें केनाल दिखाई दे रही है, इस केनाल पर ये बल्ब जैसी रचना दिखाई दे रही है, ये बल्ब जैसी रचना कहलाती है गोनेड। तो यही रचनाएं हैं जो इस केनाल के ऊपर वेंट्रल साइड पर स्थित होती हैं, जिन्हें हम गोनेड कहते हैं। एक पूर्ण विकसित ओबेलिया मेड्यूसा की रचना इस तरह से दिखाई देती है। आप देख रहे हैं कि इसकी सतह पर जो टेंटिकल्स हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और टेंटिकल्स के ठीक पहले का हिस्सा जो मेड्यूसा का है वो एक शेल के रूप में होता है, इसे विलम कहते हैं। साथ ही साथ जो रेडियल केनाल्स हैं, इन रेडियल केनाल में सर्कुलर केनाल और स्टमक के ठीक बीचों बीच गोनेड उपस्थित होती है। चूंकि रेडियल केनाल की संख्या चार होती है, इसलिए गोनेड की संख्या भी इनमें चार होती है। जहां पर चारों रेडियल केनाल आपस में भीतर की दिशा पर मिलती हैं, वहां पर एक बैग या सैक जैसी रचना पाई जाती है, यह रचना स्टमक कहलाती है, और इसी स्टमक से बाहर की ओर एक हैंडल जैसी रचना लटकी हुई होती है, और इस रचना को मेनुब्रियम कहा जाता है, और इस मेनुब्रियम के ठीक स्वतंत्र सिरे पर एक चौकोन रचना के रूप में, छिद्र के रूप में माउथ उपस्थित होता है। तो यह जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यह मेड्यूसा का वेंट्रल साइड से दिखाई देने वाली रचना है, स्ट्रक्चर है। कुछ जो टेंटिकल्स होते हैं जो एड रेडियल पोजीशन पर होते हैं, उन टेंटिकल्स का जो आधार का हिस्सा होता है, जो बेस का हिस्सा होता है, वो इस तरह से फूला हुआ होता है, और इस फूले हुए भाग पर एक विशेष तरह की रचना पाई जाती है, और इस रचना को स्टेटोसिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेटोसिस्ट इसी बेसल पार्ट पर पाई जाएंगी। कौन से टेंटिकल में? ये पाई जाएंगी एड रेडियल टेंटिकल। ये है एड रेडियल टेंटिकल, तो इसके बेस पर ये पाई जाएंगी। ये जो भाग है ये फूला हुआ है, बल्ब जैसा है, और यही भाग है इसका बेस। तो इस स्टेटोसिस्ट को यदि आप देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके भीतर की सतह पर जो सेल्स होती हैं, उन सेल में सेंसरी सिलिया पाई जाती हैं, और केंद्र पर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ ये क्रिस्टल पाया जाता है, और इन क्रिस्टल को स्टेटोलिथ कहा जाता है। ये स्टेटोलिथ मेड्यूसा जब जल में संतुलित तरीके से तैरते रहता है तो उस दरमियान ये केंद्र पर स्थित होते हैं, लेकिन जैसे ही मेड्यूसा का शारीरिक संतुलन बिगड़ता है, असंतुलित होता है, ये स्टेटोलिथ या कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण होते हैं उस दिशा पर आगे की ओर एकत्रित हो जाते हैं, सरक जाते हैं, और सरकने के कारण से इनका संपर्क और संबंध वहां पर की जो सिलिएटेड सेंसरी सेल है उनसे हो जाता है, और इसकी सूचना तत्काल नर्व्स के द्वारा जंतु को प्राप्त हो जाती है, और ओबेलिया का जो मेड्यूसा है वो पुनः अपना शारीरिक संतुलन
ठीक कर लेता है। तो इस तरह ये जो स्टेटोसिस्ट होते हैं ये इनके बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, अर्थात तैरते समय जंतु की शारीरिक संतुलन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। मेड्यूसा का विकास किस तरह से होता है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। मेड्यूसा का विकास ब्लास्टोस्टाइल की बाहरी सतह पर अलैंगिक विधि के द्वारा या एसेक्सुअल बर्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ब्लास्टोस्टाइल की बाहरी सतह पर भी इपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस से युक्त एक छोटा सा उभार बनना प्रारंभ होता है। यह उभार बर्ड जैसा होता है और इस रचना को बर्ड या प्रोट्रूबरेंस कहा जाता है। इस चित्र में हम पहली अवस्था को देख सकते हैं, यह पहली अवस्था कहलाती है प्रोट्यूबरेंस, जहां ये एक बर्ड के रूप में विकसित हो रही है। ये देखिए, तो इसमें बाहर की ओर इपिडर्मिस है और भीतर की ओर इसका गैस्ट्रोडर्मिस है। इस गैस्ट्रोडर्मिस को हम एंडोडर्मिस भी कहते हैं। दूसरी अवस्था, यह जो बड या प्रोट्यूबरेंस निर्मित हुआ है वह धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है, उसकी साइज बढ़ने लगती है, वो बाहर की ओर उभर करके आकार में बड़ा होने लगता है और इस अवस्था में इस प्रोट्यूबरेंस को वेसिकल कहा जाता है। इस दूसरी अवस्था में हम इस वेसिकल को यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरी अवस्था है, ये वेसिकल। तो प्रोट्यूबरेंस से इसका जो साइज है वो काफी बड़ा हो गया, ये बाहर की ओर उभर गई, इस रचना को वेसिकल कहा जाता है। यहां पर भी बाहर की ओर इपिडर्मिस या एक्टोडर्म और भीतर की ओर गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्म स्थित होता है, और भीतर की जो कैविटी है यह कैविटी सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के रूप में होती है। तीसरी स्थिति में वेसिकल की दो परतों में बढ़ जाती है। तो वेसिकल में जो इपिडर्मिस होती है, यह इपिडर्मिस जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, यह इपिडर्मिस स्प्लिट हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, तथा दोनों परतों के बीच में, इपिडर्मिस की इन दोनों परतों के बीच में एक कैविटी जैसी रचना बन जाती है और उस रचना को सब अम्ब्रेलर कैविटी कहा जाता है, और सब अम्ब्रेलर कैविटी के साथ ही साथ इसे बेल रूडिमेंट भी कहा जाता है। तो इस रचना पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो इपिडर्मिस है या एक्टोडर्म है ये स्प्लिट हो गई है, दो भागों में बढ़ गई है, ये बाहर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और दूसरा ये भीतर का हिस्सा, ये दो भागों पे बढ़ गया है, और इन दोनों परतों के बीच में एक कैविटी या खाली जगह विकसित हो गई है, अस्तित्व में आ गई है, और इस खाली जगह को सब अम्ब्रेलर कैविटी कहा जाता है, और यही वास्तविक रूप से रूडिमेंट ऑफ मेनुब्रियम होता है। चौथी अवस्था में या अगली अवस्था में जो बेल रूडिमेंट है उसके भीतर की जो इपिडर्मिस है तथा गैस्ट्रोडर्मिस है, ये सब अम्ब्रेलर दीवार का निर्माण करती है। सब अम्ब्रेलर सरफेस का आशय ये है कि जो सतह भविष्य में बनने वाली मेड्यूसा के वेंट्रल या नीचे की सतह पर होने वाली है वही कहलाती है सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो सब अम्ब्रेलर सरफेस की दीवार का निर्माण इपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस से होता है। इसके साथ ही साथ अम्ब्रेला के आकार में कुछ परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन इस तरह से होता है कि अब यह जो रचना है वह एक अम्ब्रेला का आकार लेना शुरू कर देती है, और जब अम्ब्रेला का आकार लेना शुरू करती है उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि इसके केंद्र में मेनुब्रियम और मार्जिन पर टेंटेकल्स भी बन जाते हैं। तो इस चित्र पे हम देख सकते हैं ये बाहर की ओर का हिस्सा, ये टेंटेकल कहलाता है, और भीतर का ये जो हिस्सा होता है ये मेनुब्रियम कहलाता है। तो मेनुब्रियम का निर्माण
इसी तरह से होता है मेनुब्रियम, और ये रचना कहलाएगी टेंटेकल। तो टेंटेकल और मेनुब्रियम का निर्माण यहां पर हो जाता है। इसके पश्चात इसका जो एक्स अम्ब्रेला सरफेस है, एक्स अम्ब्रेला सरफेस का आशय वो है कि जिस सतह के द्वारा यह ब्लास्टो स्टाइल से जुड़ा हुआ है वह एक्स अम्ब्रेला सरफेस होता है, और एक्स अम्ब्रेला सरफेस का जो संबंध होता है वो ब्लास्टो स्टाइल की दीवार से धीरे धीरे टूटने लगती है, वो अलग होने लगती है। इस सब अम्ब्रेला सतह की जो बाहरी हॉरिजॉन्टल इपिडर्मिस होती है वह भी टूट जाती है, और टूटने के बाद वह शेष रह जाती है एक छोटी सी रचना के रूप में, और इस रचना को विलम कहा जाता है। तो यहां पर इस अवस्था में हम देख सकते हैं कि इसका आकार अम्ब्रेला या सॉसर या दस्तरी के रूप में निर्मित होने लगा है, और इन दोनों परिधि के बीच में एक आउटर इपिडर्मिस से बनी हुई हॉरिजॉन्टल सेप्टम भी होती है, और यह हॉरिजॉन्टल सेप्टम अंत में टूट जाती है, और टूटने से यह रचना अंतिम रूप से विकसित होती है। तो यह बाहर का जो हिस्सा होता है जो हॉरिजॉन्टल सेप्टम के टूटने से बनता है, यह शेष हिस्सा हॉरिजॉन्टल सेप्टम का यह विलम कहलाता है। ये बाहर की ओर विलम, ये यहां पर इस तरीके से दिखाई देता है। मेनुब्रियम के स्वतंत्र सिरे पर एक छोटे से चौकोर छिद्र के रूप में माउथ खुल जाता है, तथा यह नव विकसित और नव निर्मित मेड्यूसा ब्लास्टो स्टाइल से पूरी तरह से अलग होकर गोनोपोर के माध्यम से बाहर निकल आता है, और वह समुद्री जल में स्वतंत्रता पूर्वक तैरने लगता है। तो ये देखिए, ये मेड्यूसा का निर्माण जब लगभग अंतिम चरण पर होता है तो इसके उस सतह पर जिसके द्वारा यह विकसित होता हुआ मेड्यूसा ब्लास्टो स्टाइल से जुड़ा हुआ होता है, ये ब्लास्टो स्टाइल है, तो इस ब्लास्टो स्टाइल से जिस जगह पर जुड़ा हुआ होता है ये हिस्सा धीरे धीरे भीतर की ओर धंसने लगता है, और नतीजा जब ये पूरी तरह से धंस जाता है तो यह जो मेड्यूसा है वो ब्लास्टो स्टाइल से अलग हो जाता है, और अलग होकर के गोनोपोर से बाहर निकलकर पानी में स्वतंत्रता पूर्वक तैरने लगता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ब्लास्टो स्टाइल की सतह पर यह मेड्यूसा का निर्माण और विकास हुआ। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो ये ब्लास्टो स्टाइल से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और गोनोपोर से बाहर निकल करके समुद्री जल में स्वतंत्रता पूर्वक तैरने लगते हैं। तो इस तरह मेड्यूसा का विकास ब्लास्टो स्टाइल की सतह पर होता है। आइए हम देखें हिस्टोलॉजी ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया के कॉलोनी में दो तरह की शाखाएं हैं, वो शाखाएं जो किसी आधार पर जुड़ी हुई होती हैं और जंतु को मजबूती के साथ चिपकाए रहती हैं, ये शाखाएं कहलाती हैं, जो हॉरिजॉन्टल हैं वो कहलाती हैं हाइड्रोराइजा, ये कहलाएंगी हाइड्रोराइजा, और दूसरी शाखाएं जो इनसे वर्टिकल निकलती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जो कॉलम के रूप में होती हैं, इन शाखाओं को हाइड्रोकॉलस कहा जाता है। तो हाइड्रोराइजा और हाइड्रोकॉलस दोनों की रचना लगभग समान होती है। इनमें उपस्थित कोशिकाओं के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं, और इसे ही हम कहते हैं हिस्टोलॉजिया ओबेलिया। तो यहां पर यह संरचना हमें दिखाई दे रही है हाइड्रोकॉलस की। तो हाइड्रोकॉलस का सेक्शन काट करके यदि हम देखें तो यह रचना हमें इस तरह से दिखाई देती है। सबसे बाहर का जो आवरण होता है यह आवरण पेरिसार्क कहलाता है, यह परिधि की ओर होता है, और दूसरा जो इस पेरिसार्क के भीतर की ओर होता है यह सिनोसार्क कहलाता है। तो सेंटर की ओर जो होगा वो सिनोसार्क, परिधि की ओर जो होगा वो पेरिसार्क। वास्तविक रूप से यह जो सिनोसार्क है वो दो परतों से, कोशिकाओं की दो परतों से मिलकर बनी हुई होती है। वो परत जो पेरिसार्क के ठीक नीचे होती है, सिनोसार्क का यह भाग एक्टोडर्म कहलाता है, और दूसरा
जो भीतर की ओर सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी की ओर होती है, यह परत कहलाती है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है सीनोसार। यहां पर यह ध्यान देना जरूरी है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ए सेलुलर लेयर होती है, जिसको हमने ग्रीन कलर से यहां पर अलग से दर्शाया है। तो इस भाग में कोशिकाओं की परत नहीं होती, न ही किसी तरह की कोशिकाएं आपस में मिलकर के लेयर बनाती हैं। इसलिए इस भाग को कहा जाता है मीजोग्लिया। ये मिडिल पार्ट पर होती हैं, ए सेलुलर होती हैं, इन्हें मीजोग्लिया कहा जाता है। ये टीएस में इस तरह हाइड्रोराइजा और हाइड्रोकॉलस दिखाई देता है। हिस्टोलॉजी में हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ओमेलिया कॉलोनी, पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल, सभी की जो कोशिकीय संरचनाएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं, और ओमेलिया डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनकी जो बॉडी वॉल है वो कोशिकाओं की दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जिनमें से जो बाहरी लेयर है वो एक्टोडर्म तथा भीतरी लेयर यह एंडोडर्म कहलाती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों लेयर के मध्य में ए सेलुलर मीजोग्लिया उपस्थित होती है। आइए अब हम देखें एक्टोडर्म और एंडोडर्म में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। एंडोडर्म में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं इस तरह से हैं, एंडोथीलियो मसल सेल, ग्लैंड सेल, नर्व सेल, सेंसरी सेल और इंटरस्टीशियल सेल। जबकि एंडोडर्म में पाई जाने वाली कोशिकाएं इपिथीलियो मसल सेल, ग्लैंड सेल, नर्व सेल, सेंसरी सेल, इंटरस्टीशियल सेल और नीडोब्लास्ट। तो ये एक अतिरिक्त कोशिका है जो एक्टोडर्म में पाई जाती है, और खास तौर पे यह टेंटेकल्स की सतह पर पाई जाती हैं। ये आक्रमण और सुरक्षा के अंग के रूप में काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं। और एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के बीच में यह जो भाग होता है, जो एसेलुलर होता है, यह मीजोग्लिया कहलाता है। इस चित्र में हम एंडोडर्म और एक्टोडर्म की कोशिकाओं को देख सकते हैं। यहां हम देखते हैं इपिथीलियो मसल सेल, नर्व सेल, सेंसरी सेल, नीडोब्लास्ट सेल और इंटरस्टीशियल सेल। इसी तरह से एंडोडर्म में ये इपिथीलियो मसल सेल, नर्व सेल, सेंसरी सेल, इंटरस्टीशियल सेल इत्यादि ये सारी सेल्स हैं, और दोनों एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के बीच में, ये एंडोडर्म का हिस्सा है, ये एक्टोडर्म का हिस्सा है, इन दोनों के बीच में ये ए सेलुलर मीजोग्लिया पाई जाती है, जो दोनों परतों को परस्पर एक दूसरे से अलग करती है। सेल्स ऑफ द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में पाई जाने वाली कोशिकाएं और उनका जो आकार है उसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले तरह की कोशिका जो एक्टोडर्म में पाई जाती है वो है इपिथीलियो मसल सेल। ये पिलर के आकार की अर्थात लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो एक्टोडर्म का सर्वाधिक बड़ा भाग निर्मित करती हैं। इनका बाहरी भाग इपिथीलियल पार्ट तथा भीतरी भाग मस्कुलर पार्ट कहलाता है। इनके बाहर की सतह पर फ्लेजिला नहीं पाए जाते हैं। तो ये कोशिका हमें दिखाई दे रही है, ये है इपिथीलियो मसल सेल। तो बाहर का यह जो पार्ट होता है यह हिस्सा कहलाता है इपिथीलियल पार्ट, और दूसरा इसका जो बेसल पार्ट होता है ये बेसल पार्ट मस्कुलर पार्ट कहलाता है। बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। दूसरे तरह की कोशिका यह ग्लैंड सेल कहलाती है। ग्लैंड सेल कोशिका जो एक्टोडर्म पर होती हैं वो केवल म्यूकस का सीक्रिशन करती हैं, और इसलिए इन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में म्यूकस सीक्रिटरी वेसिकल्स पाई जाती हैं। तीसरे तरह की कोशिका ये नर्व सेल कहलाती हैं, यह संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं।
इन कोशिकाओं का आकार ये धागे जैसा होता है जिसके फूले हुए भाग पर न्यूक्लियस होता है तथा इनके सिरों पर दो या तीन रेशेदार रचनाएं होती हैं जिन्हें न्यूट्राइड्स कहा जाता है। और ये जो न्यूट्राइड्स होते हैं परस्पर अपने पास के जो नर्व सेल हैं उनके न्यूट्राइड्स के साथ मिलकर के एक नेटवर्क या जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं। चौथे तरह की कोशिका यह सेंसरी सेल कहलाती है। इपिथीलियो मसल सेल के बीच बीच में लंबी धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को सेंसरी सेल कहा जाता है और इन सेंसरी सेल के एक सिरे पर स्वतंत्र सिरे पर सेंसरी सिलियम स्थित होता है और इनका जो बेस का हिस्सा होता है ये नर्व सेल से जुड़ी हुई होती है। तो ये बेसल पार्ट ये नर्व सेल से जुड़ा हुआ होगा। पांचवें तरह की कोशिका ये इंटरस्टीशियल सेल कहलाती है। ओबेरिया में पाई जाने वाली ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो इपिथिलियो मस्कुलर सेल्स के बीच बीच में जो खाली जगह होती है वहां स्थित होती हैं। ये कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य तरह की कोशिकाओं में बदल सकने की क्षमता रखती हैं और इस विलक्षण क्षमता के कारण से इन्हें टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है। तो ये कोशिकाएं इस तरह से होती हैं, इन्हें ही हम इंटरस्टीशियल सेल कहते हैं। छठवीं कोशिका यह नीडोब्लास्ट कहलाती है। इसे निमेटोब्लास्ट सेल भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं टेंटेकल्स की सतह पर पाई जाती हैं और इनमें बाहर की ओर एक स्पाइन निकला हुआ होता है, एक कांटा निकला हुआ होता है जो डिस्चार्ज अवस्था को प्रदर्शित करता है। जब ये इनएक्टिव स्टेज पर होगा तो ये स्पाइन भीतर की ओर बंद होगा, लेकिन जैसे ही टेंटेकल किसी तरह के संवेदना के संपर्क में आता है तो ये निमेटोब्लास्ट या ब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, ये झटके से खुल जाती हैं जिसके कारण से इनका जो स्पाइन होता है या स्पाइक होता है ये बाहर की ओर आ जाता है और अपने प्रे या शत्रु के शरीर पर धंस जाता है। तो इस तरीके से टेंटेकल की सतह पर पाए जाने वाली नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं ये इनके आक्रमण और सुरक्षा के अंग के रूप में काम करती हैं और साथ ही साथ ये अपने शिकार को पकड़ने का या फूड कैप्चरिंग का भी काम करती हैं। ये कोशिकाएं हुई एक्टोडर्म के बारे में। आइए हम देखें एंडोडर्म में पाई जाने वाली कोशिकाओं के बारे में। जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म में कोशिकाएं लगभग समान तरह की होती हैं। एंडोडर्म में केवल एक कोशिका है जो नहीं पाई जाती है, वो है नीडोब्लास्ट सेल जिनको हम निमेटोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। शेष कोशिकाएं एंडोडर्म में उपस्थित होती हैं। पहले तरह की कोशिका इपिथिलियो मसल सेल यह भी एंडोडर्म का सर्वाधिक बड़ा भाग बनाती हैं। इनकी बाहरी दीवार या इनका जो बाहरी भाग है वह इपिथिलियल पार्ट और भीतर का हिस्सा मस्कुलर पार्ट कहलाता है। इनके इपिथिलियल सरफेस पर दो तरह की रचनाएं पाई जाती हैं। एक रचना यह सूडोपोडिया कहलाती है और जो भोजन के कणों को निगलने का काम करती है और दूसरी रचना फ्लैजिलम कहलाती है। यह फ्लैजिलम वाटर करंट क्रिएट करने का और भोजन को गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी में सर्कुलेट करने का काम करती है। दूसरे तरह की कोशिका ये ग्लैंड सेल कहलाती है। इन ग्लैंड सेल्स के द्वारा म्यूकस के साथ ही साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन किया जाता है और इस तरह डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा ये भोजन का एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करती हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने के लिए इनमें साइटोप्लाज्म में सीक्रेटरी वेसिकल्स पाई जाती हैं। तो यदि डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर की ओर रिलीज की जाती हैं और भोजन का पाचन बाहर की ओर होता है, कोशिकाओं के बाहर होता है, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। लेकिन यदि भोजन को इनके अंदर पहुंचा दिया जाता है और भोजन का पाचन इन कोशिकाओं के भीतर ही होता है तब इस प्रकार के डाइजेशन को इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। तीसरे तरह की कोशिकाएं ये नर्व सेल कहलाती हैं। ये कोशिकाएं आधार पर स्थित होती हैं तथा
मीजोग्लिया के संपर्क में रहती हैं। ये कोशिकाएं भी एक्टोडर्म की कोशिकाओं के समान होती हैं, जिनमें फूले हुए भाग पर न्यूक्लियस और इनके सिरों पर दो या तीन न्यूट्राइट्स होते हैं, जिनके द्वारा वो नेटवर्क बना लेती हैं। चौथे तरह की कोशिकाएं सेंसरी सेल कहलाती हैं। यह भी एक्टोडर्म की सेंसरी सेल के समान ही होती हैं। इनके स्वतंत्र सिरे पर सेंसरी सिलियम होता है तथा इनका आधार ये नर्व सेल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और पांचवे तरह की कोशिकाएं ये इंटरस्टिशियल सेल कहलाती हैं। ये कोशिकाएं भी इपिथीलियो मसल सेल के बीच बीच में पाई जाती हैं तथा ये कोशिकाएं भी टोटिपोटेंट सेल होती हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकने की क्षमता रखती हैं। आइए अब हम पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में कंपेयर करते हैं। पॉलिप ये फिक्स्ड होते हैं, अर्थात हाइड्रोकॉलस के शीर्ष पर ये फिक्स्ड होते हैं, जबकि मेड्यूसा ब्लास्टो स्टाइल में निर्मित होने के बाद समुद्री जल में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होते हैं, पॉलिप फिक्स होते हैं। पॉलिप का जो विकास होता है ये हाइड्रोकॉलस के शीर्ष पर होता है, जबकि मेड्यूसा ये ब्लास्टो स्टाइल पर विकसित होते हैं। पॉलिप कॉलोनियल तथा कोनिकल तथा खोखले होते हैं, जबकि मेड्यूसा ये बेल शेप्ड या सॉसर शेप्ड या अम्ब्रेला के आकार के होते हैं। पॉलिप में हाइपोस्टोम, मैनुब्रियम इत्यादि संरचनाएं पाई जाती हैं, जो बाहर की ओर उभरी हुई या उठी हुई होती हैं, जबकि मेड्यूसा में जो मैनुब्रियम यह उसके सब अम्ब्रेला सतह पर नीचे की ओर लटका हुआ होता है। हाइपोस्टोम के चारों ओर पॉलिप में टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जबकि मेड्यूसा में टेंटेकल्स उनके परिधि पर लगे हुए होते हैं और माउथ के चारों ओर या हाइपोस्टोम में या मेनुब्रियम में टेंटेकल्स अनुपस्थित होते हैं। टेंटेकल्स के बेस फूले हुए नहीं होते हैं। तो पॉलिप में जो टेंटेकल्स होते हैं उनमें स्टेटोसिस्ट नहीं पाया जाता है, जबकि मेड्यूसा में जो एड रेडियल टेंटिकल्स होते हैं इनके बेस फूले हुए होते हैं और इन्हीं बेस पर स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। पॉलिप में स्टमक, रेडियल केनाल, सर्कुलर केनाल इत्यादि रचनाएं नहीं पाई जाती हैं, जबकि मेड्यूसा में स्टमक, रेडियल केनाल, सर्कुलर केनाल इत्यादि रचनाएं उपस्थित होती हैं। पॉलिप में विलम एब्सेंट होता है, मेड्यूसा में विलम प्रेजेंट होता है। पॉलिप चूंकि एसेक्सुअल फॉर्म है इसलिए इनमें गोनेड अनुपस्थित होते हैं, मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म है अर्थात इनमें गोनेड प्रेजेंट होते हैं। पॉलिप में कॉलोनी में एसेक्सुअल फॉर्म को प्रदर्शित करते हैं, जबकि मेड्यूसा ये स्वतंत्र सेक्सुअल फॉर्म को प्रदर्शित करते हैं। पॉलिप ये कॉलोनी को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, अर्थात ये न्यूट्रोटिजोआइट्स होते हैं, जबकि मेड्यूसा रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं इसलिए ये रिप्रोडक्टिजोआइट्स होते हैं। क्वेश्चन आवर स्ट्रक्चर ऑफ ओविलिया से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं। राइट नोट्स ऑन पॉलिप एंड ब्लास्टोस्टाइल, राइट नोट ऑन मेड्यूसा, राइट नोट ऑन हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरिया, एक्सप्लेन दी डेवलपमेंट ऑफ मेड्यूसा एंड फुल क्वेश्चन के रूप में डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरिया कॉलोनी। ये सभी पाठ्य सामग्री हमने जिस स्रोत से लिया है वो इस तरह से हैं। धन्यवाद।